अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। अरे आप भी आया। तो बहुत सारी तालियां लेने के लिए आपके बीच आया हूँ बॉम्बे से। यहाँ मैं यहीं घुमा करता था लखनऊ में, ये नखास वखास में टुंडे कबाब ये वो, गैया बैठी रहती सड़क पे यहाँ, हाँ चार बाग में। आप स्कूटर से निकल रहे हो, निकल ही नहीं पाओगे और उठेंगे भी नहीं, अब हॉर्न मारते रहो और चार बाग में गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चिढ़ाएंगी। और दूसरी गैया ऐसे कहती हैं, ये देखो कितनी बेवकूफी कर रहा, हमें उठना तो है नहीं, उससे ऐसे कहती। तो दूसरी वाली जैसे बहुत जरूरी चीज देख रही, वैसे देखेंगे। जन्मजात चिंगम दिया ऊपर वाले ने। और गाय, गाय हमारी माता होती, इतनी मासूम इतनी सीधी होती हैं। मैंने देखा यहां अमीनाबाद में पीछे पान की दुकान के पीछे ऐसे सीधी चुपचाप खड़ी अकेले, तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया, जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया उन्होंने पूरी गर्दन दे दी। कि ले अब ठीक से करो, करने का बहुत मन है अब करो। अच्छा कुत्ते क्यों दौड़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा उनको पता भी है कि इस चौराहे से पांचवा मकान आपका है या छठा मकान आपका है, आपको जानते भी हैं, फिर भी कई साल से दौड़ाएंगे, मारुति के पीछे लग जाएंगे, कार के पीछे लग जाएंगे, छह भागना शुरू करेंगे, छह भागते चौराहे से एक साथ, छह भागेंगे दो रुक जाते हैं, दो समझदार हैं उसको याद आ गया कौन है ये, दो रुक गए, चार आपको गेट तक एंट्री करा के गेट बंद करवा के फिर लौटते हैं। तो जो लौटते हैं चार, तो पहले के शुरू वाले दो वाले बोलते हैं कहाँ तक गए थे, क्यों इतनी दूर कहाँ चले गए, अरे वो तिवारी जी हैं समोसे वाले। तो वो चार बोलते हैं अरे तुम भी तो दौड़े थे, हम साले जानबूझ के इसलिए दौड़ते हैं कि तुम लोग आखिरी तक दौड़ो। अभी मैंने चार पांच कुत्तों को देखा, इंदिरा नगर में बात कर रहे हैं, गोमती नगर से पहले दोनों चारों छहियों बात करें, पांच छह कुत्ते मीटिंग। एक्चुअली अनिल अंबानी को चाहिए कि गांव गांव बिजली पहुंचाए, आजादी के 60 साल होने जा रहे हैं अभी तक गांव गांव बिजली नहीं पहुंची, बिजली की इतनी समस्या उत्तर प्रदेश में, अब चाहिए मतलब कि गांव गांव बिजली पहुंचे। तो दूसरा बोला अरे बिजली तुम क्या करोगे, तुम क्या कंप्यूटर चलाओगे कि फैशन शो देखोगे, नहीं नहीं बिजली अगर गांव गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंभे गड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। एक बार अच्छा वैलेंटाइन डे में यहां भी आजकल बहुत हो रहा है सब, हाँ लखनऊ में भी बहुत, वैसे ये सब हजरतगंज में ज्यादा होता है। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने देखा इधर राजाजीपुरम में, मैंने देखा एक कुतिया जा रही है, अब कुतिया है तो कुतिया ही बोलना पड़ेगा, फीमेल डॉग बोलते हैं बड़ी पॉश हो जाएंगी। एक कुतिया जा रही है, उसके पीछे चार कुत्ते लगे हुए हैं, वैलेंटाइन डे का दिन, उन चार कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को, मेरा आधा काम हो गया। अब आगे कुतिया, बीच में चार कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, लंगड़ा कुत्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक सरदार जी ने देखा, सरदार जी बहुत रहम दिल होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं,
मदद करते हैं सबकी, उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, इसके अंदर भी फीलिंग्स होंगे, इसके अंदर भी दिल है, और वैलेंटाइन डे है। गए एक लकड़ी लेके आ डंडा और चारों कुत्तों को मारा, थपा थपा, और लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। दिल देखिए, मिला दिया। अगले दिन देखा फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुत्तिया, बीच में चार कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है, इस बार सरदार जी भड़क गए और गए और डंडा लेके आ लंगड़े को मारना शुरू किया। लंगड़े को धपा धपा मारा। सब लोग बोले पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई है, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है।